एक ट्रिप की शुरुआत दोबारा सोते हुए मिलते हैं रास्ते में, आपको इन्फॉर्म करते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। जगह तो आपको पसंद आने वाली है क्योंकि बिल्कुल रॉ है, आज तक यूट्यूब पे किसी ने कवर नहीं करी होगी क्योंकि मैं अपने गांव जा रहा हूँ। मिलते हैं रास्ते में, स्टे ट्यून। सवारी ये है सुजुकी वैगनार जिसमें हम जाएंगे, आज ट्रैवल करेंगे उत्तराखंड के लिए। बने रहिए वीडियो में, सामान ऊपर लोड हो रहा है, फिर चलते हैं यहाँ से फैमिली ट्रिप। हमारी जर्नी का पहला स्टॉप शिवा ढाबा, ये हमारी टैक्सी जिसमें हम जा रहे हैं और ठंड सही हो रही है अभी तो, बढ़िया ठंड हो रही है, मज़ा आ रहा है। बेस्ट शिवा ढाबा, और रास्ते में दिखाने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, मिलते हैं आपसे। समय हो रहे हैं 1:50 और हम आ चुके कम से कम रुद्रपुर, यहाँ से भी हमारी डेस्टिनेशन ठीक ठाक रह रही है। टाइम टू CNG रिफ्यूल और मिलते हैं कहीं चाय वाय ब्रेक के लिए रुकते ना तो आपसे मिलके बात करते हैं। वैसे तो जाड़ा सही हो रहा है यहाँ पे, ठीक ठाक हो रहा है। पहाड़ों पे तो आ चुके हैं लेकिन पहाड़ देख ही नहीं रहे, बस रास्ता चल रहा है। गाड़ी साइड में पार्किंग लगा रखी है, वॉशरूम ब्रेक चल रहा है, अब वो जाना हो तो कुछ दिखाए भी। और ठंड ठंड भाई, अल्टीमेट ठंड हो रही है इस टाइम, तो कुछ उम्मीद ही नहीं लगा सकते बिल्कुल। अब पहाड़ देखने को राजी नहीं, बार पूरा अंधेरा, उजाला होता तो कुछ दिखाते हैं आपको, अभी तो ठंड लग रही है। हम आ चुके हैं रानीखेत, ये है उसका बाजार, बंद पड़ा है सारा, अभी तक अंधेरा ही पड़ा है, मिठाई ले जा रही है और अभी हालत ठंड बहुत गहरी हो रही है, ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। वो दिख रहा है मेरा गांव, यहाँ से भी अभी कई किलोमीटर आगे और जाना है। उजाले नहीं हो रहा ना, दिखाता आपको अभी मैं पूरा, स्टार्स भी काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। चुके हैं जहाँ मैं आना था, ये उत्तराखंड का ट्रेडिशनल स्वागत, चाय, गुड़, मूंगफली, पकौड़ी और आग। इसके बाद शुरू होगा हमारा ट्रैक, जो यहाँ से घर तक के, यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर का ट्रैक होगा घर तक के, और वो बैठे हैं चाय पी रहे हैं। नहीं तुम्हें दिखाना ही नहीं है। गाड़ी ने मैं वहाँ छोड़ा, उसके बाद ट्रैक शुरू, ट्रैकिंग के लिए चल चुके हैं, 2 किलोमीटर का ट्रैक है, देखते हैं कैसे कवर होता है। वैसे गांव का नेचर कुछ आता ही है, पहाड़ी लाइफ, खेतों माल बाते हुए, और हमारी नानी से चला ही ना जा रहा, थोड़ी थोड़ी दूर में थक जा रही है, दोबारा थक गए। पहाड़ों की बात ही अल्टीमेट। चलो अम्मा धीरे धीरे चलो, 2 किलोमीटर का ट्रैक कम से कम 2 घंटे का बनेगा। धूप कितनी मस्त आ रही है, बढ़िया लग रही है क्या?
हमारी नानी थक जा रही है, मेरे मेरी इन पे चला नहीं जा रहा तो स्पीड धीमी और की। और गाइस बढ़िया चीज़ है क्या? नहीं सर, बढ़िया ही होता है। धीरे धीरे चलते हैं घर। समय हो रहा 7:48, देखते हैं कितने टाइम पे हम घर पहुंचते हैं। वेट, चलते चलते बड़ा थक गए। और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मजाक से हट के, व्यू चेक आउट करो है क्या अल्टीमेट। और ऐसा मैं कैसा लगाऊँ? बढ़िया, यही तो चीज़ है मज़ा यहाँ का, उत्तराखंड का। अलग ही बादल दिख रहे लहरते हुए, सिनेमैटिक। समय हो चुका है 8:48, स्टिल अभी भी ट्रैकिंग चली रही है बिकॉज ऑफ हमारी नानी, क्योंकि उन पर चला नहीं जा रहा तो वो धीरे धीरे चल रही है, तो उसकी वजह से स्पीड हो चुकी है स्लो। और बाकी ऐसी जगह पे ट्रैक करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मज़ा भी आता बढ़िया। फाइनली ट्रैक करते करते गांव का एक घर तो नज़र आया, दूसरा घर वो उस दूर इतनी दूर खड़ा है कि मतलब वहीं है, और गांव का प्रॉपर घर आने वाला है। और समय हो रहा है अभी 9 बज गए, मतलब 1 मिनट है, आप समझ सकते हो कितना ट्रैक है। ट्रैक के बाद मिलता क्या है? सिर्फ गिनती के ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गांव, गिनती के 10 गांव हैं पूरे इस गांव के अंदर, मतलब 10 घर होंगे, ज़्यादा भी होंगे से, मतलब मुश्किल से 15 होंगे। लेकिन इतना ट्रैक करने के बाद मिला क्या? ये सही है। फाइनली वी रीच होम। समय हो रहा है अभी क्या हो रहा है भाई साहब, 9:20। हमें आने में काफ़ी टाइम लग गया। उत्तराखंड के ट्रेडिशनल हाउसेस, बढ़िया है, आने में बहुत टाइम लग गया, बस दिखाते हैं कुछ, घुमाते हैं आपको, देखते हैं कि क्या क्या दिखा सकते हैं आपको यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड बेसिकली गांव के अंदर, इसे कहते हैं बाखई। ये कुछ है यहाँ का, ट्रेडिशनल तो नहीं कह सकते, ये थोड़ा अपग्रेडेड है। ऊपर जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे, ये लकड़ियों का बना हुआ है और ये इतना ऊंचा कि मुझे झुक के चलना पड़ रहा है, लिटरली झुक के मैं अंदर जो भी शूट कर रहा हूँ झुक के कर रहा हूँ, जैसे कि ये है, सीधा खड़ा होगा तो मेरा प्रॉपर सर लगेगा। और उसके अंदर एक और जगह आई यार जहाँ पर थोड़ा सामान वामान रखा पड़ा, ये भी प्रॉपर लकड़ी का असेंबल। ये सर्दियों के टाइम पे गर्म रहते हैं, और गर्मी तो यहाँ उतनी पड़ती नहीं, वैसे भी सर्दियों के टाइम पे गर्म रहते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सहायता होती है और प्लस मजबूत काफ़ी होते हैं तो बढ़िया रहते हैं। सही है यार, देख रहे हो। अब मैं जा रहा हूँ अपनी जो मोस्ट मेरी फेवरेट जगह यहाँ पे, जो मैं बचपन में आया करता था काफ़ी, वहाँ पे जहाँ पे अल्टीमेट मज़ा आता है और कुछ अच्छा देखने को मिलता है। वैसे लिटरली होता है कुछ अलग ही, मतलब जगह ही कुछ डिफरेंस सी है यहाँ पे। ये वाली थोड़ी ख़तरनाक जगह भी है, बताया जाता है कि यहाँ पर शेर बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी मतलब बहुत जल्दी। ये देख रहे हो व्यू पॉइंट, इस साइड प्रॉपर खाई, नीचे इस साइड नीचे प्रॉपर खाई है, आगे से देखिए समझ में आ रही होगा। हाँ, और ये है हाईएस्ट पॉइंट, और सब दिखाई देता है यहाँ से सब कुछ, अल्टीमेट प्लेस। देख रहे हो मस्त दिखाई देता है यहाँ से। ये मेरी वन ऑफ फेवरेट जगह में साथ ली, वहाँ सामने भी आ सकते हैं, सामने की साइड भी सेम ही आता है,
लेकिन ज़्यादा आगे का रिस्क ले नहीं रहे अभी, हम अभी यहीं तक सीमित रहते हैं। देखते हैं ऐसी जगह दिखाएंगे आपको कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया जहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती है, बने रहे वीडियो में। अच्छा जी चल, कहाँ जा रहे फिर हम चल वहाँ चल अंदर से, वहाँ चल गायों के पास। ये हमारे छोटे भाई हैं मामा के लड़के, और इतने सही है देखो क्या चल रहा है, शहर के लड़के चलेंगे ऐसे। चल हम चल गिरी मत, हाँ गाय मारेगी तो नहीं तुझे, हाँ यहाँ से चल फिर चल ऊपर ऊपर गिरी मत, हाँ कर लेंगे क्या शहर के बाल लगे ऐसे, हाँ चल 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 गिरी मत, हाँ फिर नहीं गिरेगा क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ चल नहीं गिरेगा, चल खड़ा वो आ गया चल यहाँ से आराम से है, आ जा इस जगह की बढ़िया खासियत है क्योंकि यहाँ से वो जो दिखा रहा था ना प्रॉपर जो व्यू पॉइंट, यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू पॉइंट आता है और बहुत सेक्सी आता है। ये देख रहे हो घर के सामने, मतलब जो मैं तुम्हें लिटरली बताऊँ आगे जो जस्टिफाई करती है ना वो कैमरा शायद नहीं कर पाता। ऐसे ही कहीं पर पहाड़ों में एक अपना घर हो नॉर्मल सा, सुबह उठती है ऐसा व्यू आए सामने, क्या मज़ा आएगा। और हमारा पहाड़ी लौंडा, ये क्या है तेरे हाथ में मामू, ये तेरे हाथ में क्या है, लकड़ी, क्या कर रहा था उससे, ये तो बम फूटते हैं ये देखो। अच्छा जी बम फूटते, वो देखो कहाँ पे गया, वो नीचे तक गया, तू मत गिरी हाँ। तेरा नाम क्या है, अमोर सिंह किलोला, इधर को देख के बोल क्या है तेरा नाम, अमोर सिंह किलोला, अमोर सिंह किलोला नाम है तेरा, चल बढ़िया फिर ऐसे करके तू और मैं ऐसे देखेंगे ना तो बढ़िया आएंगे, ठीक है दिखाऊं तुझे, तुझे दिखा पहले से वीडियो दिखा दो फिर आपसे मिलते हो। बहुत वो काम कर लिए, चलते घर को वापसी क्योंकि ये तो थकने वाले नहीं, और मैं थक गया। इधर को चल, इधर को चल वापसी, इधर से चल, अब चलते घर। कुछ दिखता है मैं बड़े सारे दिखाने को दिखाते आपको, और ये तो हमारे साथ ही है इसके साथ बनाएंगे वीडियो, चलो मिलते घर जाके चल। और ओए मारेगी गाय आराम चल, ऐसे बालों को तो गाओ के हाँ लेगा लेगा इसको पकड़, इसको पकड़, छोटा वाला को पकड़, छोटा वाले को पकड़, अरे वो बना रहा हूँ वीडियो। अच्छा अरे क्यों बना रहा है, अरे पकड़ो, कुछ तो कर पकड़ो,
उसको पकड़ नहीं जा रही। ऐसे पकड़, हाँ ऐसे पकड़, ऐसे पकड़ आप। हाँ ले ले, इधर पे देख दादा की तरफ, पे देख इधर आँख की शीत आलू। अरे रहने, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, आ जा। हो गया, दे दे उसको पकड़ो, देखो दे साबार। मैं पीने दे, पीने दे, दे 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 दूध पीने दे उसको। ये भी शिकारी है, ये फाइनली पकड़ के लिया अपना शिकार। क्या नाम है इसका? इसका नाम है पंकज। बोल पंकज। पंकज इसका, इसका तो खा क्यों रहा है फिर? तू खाए कैसे? क्या हुआ तेरा? अल्लाह तो पकड़, अल्लाह तो बने। ओ रे चिराग, ये हमारे भाई सब मैगी खा रहे हैं। अब मुझे चुप तो करा। हुआ नहीं चुप। अरे ऐसे थोड़ी दिखाई देगा यार, इधर की बैक कैमरे से बनने। अब फ्रंट से दिखाओ। रुक जा, अब देख उधर जा, चुप करा। क्या हुआ? नहीं चुप। तेरी नाक बग रही है। शाम हो गई है, आग जल चुकी है और अभी तक शांति थी, फिर ये दोबारा चालू हो गया। बहुत बहुत वाह भाई, हेलो बहुत बड़ा नौटंकी बाज है। सही नौटंकी बाज है। अभी आग का मजा आ रहा है। अरे ज्यादा फुटेज नहीं खाता बेटा। की सातवीं या आठवीं चाय हो रही है मेरी, और इसमें क्या गिरा हुआ है? हां भाई गाइस, ये क्या है? छी मुंह मत डाल, ऐसे नहीं आती। चल पीछे खड़े हो, अच्छे से खड़े होके बोल। अब बोल, पहले खड़ा हो एक जगह, अब बोल आराम से बोल। पहाड़ों की रॉ लाइफ, ठंड अच्छी हो रही है, आग जली हुई है और पानी गर्म हो रहा है बर्तन धोने के लिए। मजा आ रहा है। समय हो चुका है 8:30 और आधे से आधा गाँव सो चुका है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। होप करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और देखिए कि कैसा होता है पहाड़ों पे लोकल रहने का। थैंक यू।